हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ अविनाश हैं, मेरा नाम है सचिन और हम दोनों काम करते हैं DIY गुरु में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, बहुत इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं, दरअसल बात है उन स्टूडेंट्स की जो कि विलेज एरियाज में, रूरल साइट्स में रहते हैं और इन्होंने बेसिक एजुकेशन ली है। कई हैं जिनके पास डिप्लोमा है, कई हैं जो कि 8वीं 10वीं भी पास नहीं है और अभी उनके पास बहुत बड़े एक इशू आ गया है कि वो एक्चुअली जॉब्स कैसे ले, पूरी दुनिया भाग रही है स्किल्स के पीछे। तो एक्चुअली में किया क्या जाए, क्या मुद्दे हैं, कैसे इनको टैकल किया जाए, इस बारे में हम ये वीडियो बनाए हैं और बात कर रहे हैं इस बारे में। तो आई थिंक जब मेरी बात हो रही थी तुमसे कि हाँ अभी जो इंजीनियरिंग वाला एक पॉइंट है जो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, राइट। सो मेरा जो घर है वो है बेतिया, बिहार। सो अब जब मैं अपने घर जाता हूँ तो लोग ये बोलते हैं अच्छा तू इंजीनियर है। ऐसे तो इंजीनियर बहुत सारे इंजीनियर हैं जो घर पे ऐसे ही पड़े हुए हैं और लिटरली स्पीकिंग मेरे गांव में ही कम से कम 15-20 ऐसे इंजीनियर होंगे जो ऐसे ही बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी डिग्रीज ले ली है और उसके बाद उन्होंने कहीं चेक किया और फिर वो वापस अपने घर वापस आ गए। तो अगर देखें कि क्या फैक्टर्स हैं जिसके चलते वो नौकरी नहीं पा रहे, जो करंट सिनेरियो है उसकी तरफ डिस्कशन किया जाए, तो मुझे लगता है पहला चीज ये है कि माना कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लिया, मैकेनिकल कर लिया, इलेक्ट्रिकल कर लिया। अब जैसे हम लोगों ने जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ाई की वहां पे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए बल्क में कंपनी जाती थी, लेके जाती थी, और ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है कुछ Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में जहाँ पे नंबर ऑफ लड़के ज्यादा बढ़ गए और कंपनीज को उतना रिसोर्सेज नहीं चाहिए या उनके पास है भी तो इतनी एम्पल रिसोर्सेज है जो कि वो ऊपर के कॉलेजेस से ही टॉप 100 कॉलेज से ले जा रहे हैं, जो क्रीम है उनसे वो लेके जाते हैं और जो बाकी हैं वो वैसे के वैसे ही रह गए। अब ये जो लड़के हैं जैसा केस जो कि मेरे हिसाब से 90% ऑफ द केसेस में ये बच्चे बच जाते हैं और फिर कॉलेज के प्लेसमेंट के बाद इन लोगों को कहीं ना कहीं किसी कंपनी में ट्राई करना पड़ता है। अब चीजें क्या हुई हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे परसों बात कर रहे थे एक लड़के से, तो उसने क्या बताया कि यार मैं कहीं पढ़ता था PTU में, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, वो डिप्लोमा किया बैंगलोर से, इंजीनियरिंग किया PTU से, और फिर वो PTU से इंजीनियरिंग करके वो आया किसी कंपनी में नोएडा में जिसमें उसने 3 महीने काम किया और बाद में पता चला कि वो नोएडा की कंपनी फ्रॉड थी, ठीक है। और ये बहुत केसेस में होता है, ठीक है। 3 महीने वहां पे काम किया, फ्रॉड है वो बेचारा, उसको कोई पैसा नहीं मिला। उसके बाद उसने फिर एक कंपनी कोई देखी दिल्ली में ही जो वेब डिजाइनिंग करवाती थी, वहां पे उस बंदे ने काम किया 1 महीना, तब तक उसके पास पैसे नहीं थे ताकि वो लैपटॉप खरीद सके, तो उसके उस वो जिस डेस्कटॉप पे बैठता था उस डेस्कटॉप को किसी और को दे दिया गया जिसके पास। अब यहाँ पे पॉइंट जानने वाली ये चीज है कि उसकी जिस लड़कों को दिया गया वो डेस्कटॉप उसे ऐप बनानी आती थी और इसको नहीं आती थी, इसको नहीं आती थी। रिसोर्स ले लिया गया और इसको बोला गया कि अब घर जाओ। यहाँ पे गलती देखा जाए तो गलती माना है लड़के की गलती है कि इसने अपने 4 साल के कॉलेज ईयर्स में ऐप डिजाइनिंग या ऐप डेवलपमेंट जैसी वो कटिंग एज वाली स्किल नहीं सीखी जिससे वो कंप्लीट कर सके, जिनकी वजह से कंपनी एक्चुअली में आपको रिक्रूट करती है और आपको पे करती है। तो कॉलेज इनको नहीं बताया कि हाँ तुम ये सारी चीज सीखो, या दे फॉल इनटू आई मीन नॉट दैट गुड कम्युनिटी वेयर जहाँ पे बच्चे खुद में डिस्कस करके ये अपने आप को ग्रो करें, कोई बोले कि हाँ तुझे ऐप डेवलपमेंट आता है, तुझे गाड़ी बनानी आती है, तुझे सस्पेंशन आता है, तुझे व्हीकल टेस्टिंग आती है, ऑटोनोमस कार कैसे काम करता है, आता है। देखा जाए तो हर कॉलेज में देयर आर एम्पल नंबर ऑफ क्लब्स, नहीं मैथमेटिक्स का क्लब बना रखा है, सिविल का क्लब बना रखा है, मैकेनिकल का क्लब बना रखा है, लेकिन आफ्टर दैट एज वेल ओनली अ फ्यू टैलेंटेड स्टूडेंट्स गेट चांस टू पार्टिसिपेट। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट, लाइक कॉलेज में 100 बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें कॉलेजेस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं छूट रहा है, उस वजह से इन बच्चों को फाइनली सफर करना पड़ रहा है आफ्टर ग्रेजुएशन। ये है। अच्छा चलो जहां तक कॉलेजेस की बात आती है तो चीजें वहां पे जाके स्टक हो जाती है कि दे आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट हाउ मच ग्रेड यू आर मेकिंग
व्हाट इज योर परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस एंड दैट वी ऑलरेडी हैव बीन डिस्कसिंग. हम लोग पहले से ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो 1980s में चली थी वो आज तक चली आ रही है. हाँ. और ये सिस्टम कोप अप नहीं कर पाएगी इस फास्ट कुछ टाइम के बाद. एक्चुअली सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड मेकिंग द चेंजेस. हर कोई स्किल बेस्ड जो टॉपिक्स हैं उन पे नए नए टॉक्स करवाने लगा. देखो कोर्सेज में और करिकुलम में चेंजेस तो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तब ये कोई भी कर सकता है, दे वर्क अकॉर्डिंग टू इट. बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ कॉलेजेस हैं जो इनिशिएटिव वाकई में ले रहे हैं. उनके प्रोफेसर हैं जो हमें कॉल करते हैं, हमें बताते हैं कि ओके इस बारे में टॉक कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं. दे आर रियली वर्किंग फॉर इट. बट कहीं ना कहीं बच्चों का भी इनिशिएटिव बनता है. देखिए फाइनली इट्स अबाउट योर लाइफ, व्हाट यू आर गोना डू आफ्टर यू पास आउट योर कॉलेज एंड यू आर प्लानिंग फॉर अ सक्सेसफुल कैरियर. यार यहाँ पे सक्सेसफुल वर्ड जो है ना, ये बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है आपके कॉलेज डेज में. नॉट बिकॉज कि पहले होता था या नहीं होता था, अब ये जरूर मांगता है रिगार्डलेस ऑफ द काइंड ऑफ मार्क्स यू हैव. हम लोगों ने शायद अपने कॉलेजेस में भी देखा है कई बार 92-93% वाले बच्चे भी वो जॉब नहीं क्रैक करते. जो एक 74% वाला बच्चा जो है वो इंटरव्यू क्रैक करके लेके गया बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज ऑफ द इंटर्नशिप्स ही हैव डन, बिकॉज ऑफ द स्किल्स दैट ही हैज गेन्ड. इट डजंट डिपेंड ऑन द सर्टिफिकेशन ही हैज गॉट, बट द प्रूफ दैट ही स्पीक्स थ्रू ड्यूरिंग द इंटरव्यू. राइट वो एक बहुत गेम चेंजिंग फैक्टर हो जाता है. राइट. और शायद आप लोगों को भी ये समझने की जरूरत है, ये जरूरी नहीं है कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप डिग्री कर रहे हैं, आप 12वीं पास हैं. देखिए MIT जाने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको एक सही स्किल आना चाहिए और आपको कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, आपको भी अच्छी रिसर्च करनी है. और गूगल है आपके पास, आपके पास लाइक यू हैव दिस स्मार्टफोन. ये कहा जाता है कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है ये जो पहला मून मिशन गया था उससे दुगनी है, उससे अच्छा सुपर कंप्यूटर है. लेकिन उसके बावजूद आप इसको सही से यूज नहीं कर रहे. एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड गूगल कैन आंसर इट अप टू सम एक्सटेंट, बट सी व्हाट हैपेंस. आप या तो गेम्स खेल रहे हैं या फिर आप वीडियोस देख रहे हैं. देखिए सब देखिए, सब करिए, लेकिन फिर बाद में ये मत बोलिए कि आपका करियर क्यों रह गया. अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको हर चीज को एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग अ स्किल, इट्स अबाउट एनहेंसिंग इट टू अ लेवल जहां पे आप उसका यूज कर सको. राइट. यही बात है जिसकी वजह से रिक्रूटर्स जब बात करते हैं वो सब यही बोलते हैं कि यार वी वांट टू हायर पीपल, बट 100 को छाटते हैं तो उनमें से दो निकलते हैं. और वो उनकी भी आशाएं, जैसे आपका केस रहा, अब उन बच्चों ने सारी तैयारी की है तो दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर व्हाट दे हैव लर्न्ड. अब वो उन्हें मिल ही नहीं रहा है. अब वो कंपनी उनको 25,000-30,000 में निपटाना चाह रही है. तो यहाँ पे मतलब एक तरफ कॉलेजेस आ गए, एक तरफ बच्चों की सोच आ गई, एक तरफ इंडस्ट्री रेडीनेस आ गई. तो ये जो अभी ये बन गया है ना इकोस्फेयर, अब ये कुछ टाइम में शिफ्ट होगा, लेकिन उस तक उसके हटने तक आप रेडी हैं? आई थिंक द पॉइंट इज कि जस्ट लाइक जैसे आपने बोला कि हाँ वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू अवेल फैसिलिटी फ्रॉम इंटरनेट. राइट. सो इंटरनेट का अच्छी तरीके से यूज करना आपको जानना पड़ेगा. एंड दैट यू कैन गेट टू नो. आप अच्छे लोगों से डिस्कस करो, आप उन लोगों से डिस्कस करो दोज हु आर रियली डूइंग समथिंग. राइट. सो दैट्स व्हाई वी आल्सो केम इनटू पिक्चर. हम लोग का भी DIY गुरु बनाने का एक यही मकसद था कि उन लोगों को सामने लाना जो कि रिसर्च डेवलपमेंट और जो वास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें अपने आप को अपडेट रखते हैं, उनसे आप तक इंफॉर्मेशन को पास करना सो दैट यू गाइज कैन लर्न फ्रॉम देम. अब उनसे सारी चीजें सीख सके. अच्छा चीजें ये है ना कि बस वो बता दें कि हाँ तुम ये चीज सीखो. हाँ. तो आप सीख लोगे. आप लोग को चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस. आपको ये नहीं चाहिए कि कोई ट्यूशन और कोचिंग टाइप आके और बताए कि तू आज ये होमवर्क कर, तू आज इतने क्वेश्चन बना. दैट विल नेवर. जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और अपना जैक स्पैरो ये सब एक कंपास यूज करते थे डायरेक्शन के लिए. तो एवरीवन नीड्स अ स्किल कंपास. और शायद हम ही नहीं, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो इसी बारे में काम करेगी. दे कैन शो यू द राइट डायरेक्शन, बट उसमें बढ़ना, उसमें काम करना तो आप ही की जिम्मेदारी है. आपका काम है.